हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी के मेरा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इट्टो 0.5 टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कब ली जाती है, इसके यूजर्स और इसके साइड इफेक्ट्स और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों जो इट्टो 0.5 टैबलेट है, ये एटीजोलम टैबलेट से भी जानी जाती है। इसे यौन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं, जिसका प्राइस 65 रुपीस है। दोस्तों अब यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंटीजोलम टैबलेट है, ये एंटी एंजाइटी टैबलेट है जो कि पेशेंट को निंद्रेपन में दी जाती है। अगर पेशेंट को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, मीनिंग चिंता हो या फिर टेंशन वगैरह हो, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, तो तब ये टैबलेट दी जाती है। ये पेशेंट को नींद आने में हेल्प करती है और ये टैबलेट घबराहट में और पेशेंट को डिप्रेशन में भी दी जाती है। ये टैबलेट ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही ली जाती है। ये टैबलेट को खुद से ना यूज़ करें। और इसकी डोज की बात करें तो डोज डॉक्टर और पेशेंट की कंडीशन देखकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मीनिंग उसे को कब्ज हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है और कन्फ्यूज़न हो सकती है और विजुअल इम्पायरमेंट हो सकती है, मीनिंग उसे धुंधला दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये टैबलेट प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर आ वो इस टैबलेट का ना यूज़ करें और इसे अल्कोहल के साथ भी ना यूज़ करें। अगर पेशेंट को लीवर या हार्ट प्रॉब्लम या किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो एक बार डॉक्टर के एडवाइस से ही ये टैबलेट यूज़ करें। तो दोस्तों ये तो थी एटीजोलम टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।